सीए और एनडीए दोनों में है डिफिकल्टी टू एंटर। सीए में अगर है पेपर 20 तो एनडीए में है 2, जिनको मत समझना टू जेंटल। सीए में है अगर लेस कंपटीशन तो एनडीए में है कंपटीशन ही कंपटीशन। सीए में अगर है एक तरह का स्पेशलाइजेशन तो एनडीए में है डिफरेंट करियर के ऑप्शन। दोनों तरफ है रिस्पेक्ट और इनकम, जल्दी तैयारी स्टार्ट करो, क्यों कर रहे हो दिन कम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो। सीए वर्सेस एनडीए दोनों एक्सट्रीम करियर्स हैं। एनडीए की अगर बात करें तो कॉमर्स स्टूडेंट सिर्फ आर्मी विंग में जा सकता है, तो दोनों को कंपेयर करके देखते हैं कहां पर मेहनत ज़्यादा है और कौन सा करियर आपके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग है। ये हमारा कॉमर्स करियर कंपैरिजन कोर्स, इन टोटल 82 वीडियोस इसमें मिलेंगी। ये है हमारी वीडियो नंबर 25, अंतिम सांसें सीए कंपैरिजन कैटेगरी ले रहा है। इन टोटल 4 कैटेगरीज हैं। यहाँ तक आपको जो भी वीडियो लगता है आपके लिए रेलिवेंट है वो पर्टिकुलर वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सीए एनडीए वेबसाइट है icai.org, यहाँ पर है nda.nic.in, ठीक है जी। फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट नेशनल डिफेंस अकेडमी, यही इंस्टीट्यूट का नाम है और यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम हो जाता है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। कोर्स स्टेटस इक्विवेलेंट टू पीजी डिग्री, मतलब अगर आपने सीए कंप्लीट कर लिया, पहले तो कंप्लीट होना ही मुश्किल है, अगर हो गया मास्टर्स के इक्विवेलेंट है। क्या मतलब भैया, आपको ना तो बीकॉम करना ना ही एमकॉम करना, बीबीए नहीं करना, एमबीए नहीं करना, बीटेक नहीं करना, एमटेक नहीं करना, बीसीए नहीं करना, एमसीए नहीं करना, कुछ भी बैचलर मास्टर करने की जरूरत नहीं है। सीए हो गया, भारत माता की जय, डायरेक्ट पीएचडी में जा सकते हो अगर थोड़ी बहुत जान बची है तो। ट्रेडिशनल यूजी डिग्री, भाई एनडीए यूजी डिग्री है, ओ भाई सिलेक्शन होगा पहले, उसके बाद करोगे तो डिग्री अंदर, डिग्री के बाद ही तो आपको जॉब पर जाएंगे। आप जिस भी एकेडमी में जाओगे पहले आपकी डिग्री होगी, बीए बीएससी बीटेक का भी डिस्कस करेंगे आगे, तो इसको डिग्री ही कहलाई जाएगी, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 10+2 किसी भी स्ट्रीम से आप हो सकते हो। सीए फाउंडेशन पहले आपको क्लियर करना है, फिर इंटरमीडिएट क्लियर करना है, फिर फाइनल क्लियर करना है, फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। बीच में छोटी मोटी ट्रेनिंग आएंगी, वो तो ऐसी हो जाएंगी। भैया यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज है 16.5 टू 19.5, जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो इस एज ब्रैकेट में होने चाहिए। भैया इतनी कम, हाँ अरे बहुत अच्छा है, कैसे आपने इसमें लगे नहीं रहोगे, जैसे और गवर्नमेंट एग्जाम में क्या होता है, अरे 5 साल लगते हैं, देखते हैं 1 साल नहीं, अरे दूसरे साल नहीं, तीसरे साल और, यहाँ पर चांस ही नहीं है। आपने 17-18 में अपने 12th किया, 1 साल है बस आपके पास, डू और डाई, नहीं हुआ चलो भाई आगे। 19.5 में आपकी एज खत्म नहीं हो गई, आप यहाँ से करियर स्टार्ट कर सकते हो अगर एनडीए में सिलेक्शन नहीं हो तो। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चा बिल्कुल क्लियर हो जाता है इस एज ब्रैकेट में, नहीं हो पा रहा है चलो भाई नेक्स्ट। अगर ये होता 22.5 तो अंदर रहता, नहीं यार 1 साल और, तो उससे टाइम वेस्ट भी हो जाता है। मैं आपकी कैपेबिलिटी पर शक नहीं कर रहा, लेकिन कभी कभी सीधी बात करनी चाहिए अपने आप से करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। एजुकेशन आर्मी विंग में कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट चलेगा, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटी। एयरफोर्स और नेवल विंग में, तीन होता है ना, आर्मी नेवी एयरफोर्स, तो एयरफोर्स और नेवी में 12th विद PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। भैया ये तो हमारे पास नहीं है, तो आपके लिए एयरफोर्स और नेवी है ही नहीं, आपके लिए सिर्फ आर्मी है, डन हो गई बात। नेशनैलिटी, ये सब कुछ होना चाहिए। 95% स्टूडेंट्स इंडिया के देखेंगे ड्यूरिंग द टाइम, इस पूरी वीडियो की जर्नी में जितने टाइम ये यूट्यूब पर आएगी, 5% अदर अदर जगह से हो सकते हैं, तो वो आप चेक कर सकते हो। नेपाल भूटान 1962 से पहले के रिफ्यूजी, और अगर आप माइग्रेट हो गए हो इन सब कंट्रीज से, आप सब एप्लीकेबल हो, आप सब एलिजिबल हो। फिजिकल टेस्ट, हाइट वेट और मेडिकल स्टैंडर्ड्स अगर आपके अकॉर्डिंगली नहीं है तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये सब कुछ पैरामीटर भी ज़रूरी है। प्रोसेस ऑफ एडमिशन एनडीए का क्या है, पहले तो आपको एनडीए एंट्रेंस क्लियर करना है, ठीक है भैया एंट्रेंस क्लियर हो गया, फिर आपको मेडिकल टेस्ट क्लियर करना है, ठीक है भैया वो भी हो गया, फिर आपका मेरिट में नेम आना चाहिए, भैया वो भी आ गया, बस अब और क्या हो गया सब कुछ। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट, ध्यान से सुनना यहाँ पे, सीए का तो है लेस देन 50,000, इंस्टीट्यूट की फीस 50,000 से कम है। अगर आपको कोचिंग लेनी है 1 लाख मैक्स और 1.5 लाख में पूरा सीए कोर्स खत्म। एनडीए ध्यान से, ये ना इनिशियली ना आपसे कुछ मनी डिपॉजिट कराते हैं 60-70,000 के आसपास, और हर मंथ वो आपको एक पॉकेट मनी की तरह दे देते हैं। आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको हर मंथ 3,000 के आसपास पॉकेट मनी की तरह दे देते हैं। इनिशियली चलता है ये 1-1.5 साल, उसके बाद
आपको अगर लगता है कि मुझे पॉकेट मनी चाहिए उसी फॉर्मेट में, तो आप दोबारा डिपॉजिट कर दो, नहीं तो आप डायरेक्टली घर से भी ले सकते हो। यहाँ पर आपका रहना फ्री है, आपका जो भी खाना पीना है वो सब गवर्नमेंट टेक केयर करेगा, तो आपका यहाँ पर जीरो एक्सपेंस आ जाता है। जब आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जब आप अपनी अकेडमी में जाओगे, आर्मी नेवी एयरफोर्स, कॉमर्स स्टूडेंट के केस में आर्मी, वहाँ पर आपको ये वाला स्टाइपेंड मिलना स्टार्ट हो जाएगा। डन हो गई बात। अच्छा जी, स्टैंडर्ड ड्यूरेशन क्या है भैया? सीए का तो है 4.5 इयर्स, पहले ज़िंदगी में आएगा। फाउंडेशन 6 मंथ्स भी हो सकता है अगर रजिस्ट्रेशन पहले करा दिया है। इंटरमीडिएट 1 ईयर, 36 मंथ्स 3 साल की आर्टिकलशिप, और फाइनल 1 ईयर। ये ना रिजिड फॉर्मेट है, ऐसे ही चलेगा। ये नहीं फाइनल पहले कर दिया आर्टिकलशिप बाद में कर लेंगे, नहीं, ऐसा ही है, यही स्ट्रक्चर है, यही फॉलो करना पड़ेगा। 4.5 इयर्स मिनिमम लगेंगे अगर ज़िंदगी में सब कुछ ठीक रहा तो। यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने के बाद आप बीए कर सकते हो, बीएससी, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस और बीटेक। बीटेक में 1 ईयर की ट्रेनिंग एडिशनल है। समझ में आ गई? आपके अकॉर्डिंगली, विंग के अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा, ठीक है। एवरेज टाइम ऑफ कंप्लीशन सीए का तो 6 to 7 ईयर्स, और ये तो बड़े प्यार से लिख दिया मैंने, जो बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से लगे रहते हैं, 3 ईयर्स। यहाँ पर तो कोई ऐसा फेल तो होता नहीं, क्योंकि आप इतना टफ एंट्रेंस क्लियर करके जा रहे हो, तो आपको पता है कि आप इतना तो स्कोर कर ही लोगे कि आप डिसेंट पास हो जाओ, राइट। लेवल्स ऑफ द कोर्स यहाँ पर है 3, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल। यहाँ पर है रिटन एग्जाम, मैथ्स जनरल एबिलिटी टेस्ट और SSB इंटरव्यू। मतलब भैया 2 रिटन टेस्ट हो गए और 1 इंटरव्यू हो गया। हाँ जी, ये लिखा है मैंने यहाँ, ठीक है। नंबर ऑफ पेपर्स एंड पासिंग क्राइटेरिया, भाई ये जो 3 लेवल हैं इनमें कुछ पेपर्स होंगे, तो CA के तो हैं टोटल 20 पेपर, फाउंडेशन में हो गए 4, ये जो दोनों पेपर हैं ये हो गए आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर, 3 आर्ट्स के खाते पीते घर के एग्जाम जैसे बोर्ड एग्जाम होते हैं। ये जो दोनों हैं ये हो गए ऑब्जेक्टिव पेपर, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क्स की। भैया मैंने फाउंडेशन कर लिया, मुबारक हो। इंटरमीडिएट में 8 पेपर्स मिलेंगे, ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4, भैया इंटरमीडिएट भी हो गया। फाइनल में फिर 8 पेपर मिलेंगे, ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4। ग्रुप 2 का जो 6th पेपर है उसमें 6 ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा, बाकी सारे सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट है, जो दिया है वही पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर बस ये 6 ऑप्शंस मिल जाएंगे, इनमें से कोई अपना मन पसंद आप चूज कर सकते हो उस टाइम जो आपका इंटरेस्ट होगा, अभी तो आपको इनके बारे में कुछ नहीं पता है, राइट। ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनमें हर पेपर में 30% MCQ, 70% डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, और अगर 400 मार्क्स का एक ग्रुप है मिनिमम 200 तो लाने पड़ेंगे। भैया ऐसा करते हैं 2 पेपर में ले आते हैं 100-100, बाकी 2 में जाएंगे ही नहीं, नहीं, हर पेपर में 40 लाने भी ज़रूरी है, तो 160 तो ऐसे ही आएंगे हर एक में 40 लाकर, और इतना ज़्यादा ले आना कि बस 200 टच हो जाए। डन हो गई बात, हाँ या ना? चलो जी, अब आते हैं नंबर ऑफ पेपर्स पे किसके, NDA के। मैथमेटिक्स का पेपर होगा पहला 300 मार्क्स का, जिसमें 120 क्वेश्चंस होंगे और 2.5 आवर्स का ड्यूरेशन होगा, नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर अवेलेबल है। फिर आ गया जनरल एबिलिटी टेस्ट, 600 मार्क्स का ये पेपर है, ठीक है, खाते पीते घर के पेपर है। इंग्लिश 200 मार्क्स और GK आपका 400 मार्क्स, 150 क्वेश्चंस होंगे, 2.5 आवर्स का ड्यूरेशन होगा। भैया ये दोनों पेपर बिल्कुल समझ आ गए, यहाँ पर 300 और यहाँ पर हमारे 600, टोटल 900 मार्क्स हो गए। अभी कहाँ SSB इंटरव्यू भी तो है, 900 मार्क्स का 5 डेज लॉन्ग एक्सटेंसिव प्रोसेस है, डेडिकेटेड प्रोसेस है, ऐसे इंटरव्यू बहुत कम होते हैं इंडिया में। साइकोमेट्रिक और फिजिकल टास्क के बेसिस पे आपको चेक किया जाएगा, उसके बाद जाके आपका सिलेक्शन होगा। भैया 1800 मार्क्स के थ्रू हम गुजरेंगे तब जाके सिलेक्शन होगा? हाँ होगा। पासिंग क्राइटेरिया, मिनिमम 25% आपको नेक्स्ट फेज में जाने के लिए चाहिए। भैया ये कौन से 25% है? अरे जैसे क्लास 12th में मिनिमम 40% चाहिए होते हैं ना, तो ऐसे यहां पर 25% तो स्कोर करना ही पड़ेगा। अब जो बाकी कट ऑफ जाएगी वो डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। जैसे 2021 की कट ऑफ में 343 स्कोर था आउट ऑफ 900, ये जो रिटर्न वाला फॉर्मेट है उसका, ठीक है। अब ये कट ऑफ गया 2021 में, इसके बाद जो कट ऑफ जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। आप 23, 24, 25 जिस भी ईयर में अपीयर करोगे, राइट। कट ऑफ क्लियर करना जरूरी है और पास तो ये मिनिमम है ही। डिफिकल्टी लेवल, सीए तो बहुत डिफिकल्ट है, एंट्रेंस भी बहुत टफ है क्रैक करना, आपको 8 से 10 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। एंट्रेंस यहाँ पर बहुत डिफिकल्ट है। भैया कौन सा एंट्रेंस डिफिकल्ट है, NDA या CA? NDA अनडाउटेडली NDA फिजिकली भी चैलेंजिंग है, CA फिजिकली चैलेंजिंग थोड़ी है, यहाँ तो बस मेंटली चैलेंजिंग है। यहाँ पर हर तरीके से आपको टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। टफेस्ट ट्रेनिंग इन द कंट्री, आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा अपनी स्टडीज़ और फिजिकल फिटनेस में।
राइट। पासिंग परसेंटेज ऑफ द कोर्स सीए का है 6%, 100 स्टूडेंट्स यहां से बाहर निकले 694 बीच में, भैया खो गए, कुछ नहीं पता कहां है। 100% है एनडीए में। अगर एंट्री हो गई फिर पास होने की गारंटी तो है, डिग्री तो कंप्लीट कर ही लोगे यार, राइट। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स, कैंपस प्लेसमेंट होता है 30-35% का सीए इंस्टीट्यूट के थ्रू। भैया बाकी जो स्टूडेंट्स बचे 60-65% वो ऑफ कैंपस जाएंगे, जॉब पोर्टल्स के थ्रू जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, सीएस को जॉब मिल जाती है, कम ज़्यादा इज अ डिफरेंट इशू, राइट। प्लेसमेंट प्रोसेस क्या होगा इंस्टीट्यूट का, स्टूडेंट्स और कंपनी रजिस्टर करेंगे ICI.org पर, इंटरव्यू राउंड कंडक्ट होंगे, फाइनल सिलेक्शन बच्चों का हो जाएगा। यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट है 100%, मेरी बात सुनो, एट दी एज ऑफ 19 आपका एनडीए में सिलेक्शन हो गया, बस ये कैंपस हो चुका है, अब आपको टेंशन नहीं लेना, लाइफ सेटल्ड है 19 में, ठीक है। प्लेसमेंट ऑफ फ्रेशर्स सीए का है 40 लाख पर एनम, ये है मैक्स, एवरेज है 4-5। यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर होता है स्टार्ट 60,000 पर मंथ से, और स्टैंडर्ड सबके लिए डिफरेंट होता है, आर्मी नेवी एयरफोर्स में डिफरेंट आपको मिलेगा, ठीक है। टॉप कॉर्पोरेट्स यहाँ पर तो हो गई, बिग फोर यहाँ पर होती हैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज। हाँ अगर आप रिटायर हो जाते हो तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स आर्मी वेटरन्स वो रिटायर होने के बाद प्रिंसिपल बन जाते हैं डिफरेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट में चले जाते हैं, मैनेजरियल रोल पे चले जाते हैं, वो अलग बॉल ऑफ गेम है, रिटायरमेंट तक आप नहीं कर सकते कुछ। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, MBA फाइनेंस CA स्टूडेंट कर लेगा, PhD कर सकता है CA कंप्लीट करने के बाद, और इतने सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं ACCA, FRM, USCM में सब कुछ कर सकता है। यहाँ पर हायर एजुकेशन मास्टर्स MBA PhD ऑप्शन अवेलेबल होता है किसके पास, NDA एस्पिरेंट के पास। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, CFO और COO लेवल तक आप जा सकते हो CA बनने के बाद 15-20 ईयर्स में। यहाँ पर आपकी रैंकिंग धीरे धीरे इंप्रूव होती रहती है। एवरेज एज ऑफ मैरिज आपकी यहाँ पर होगी 26-30। अगर ज़िंदगी में सब कुछ ठीक रहा, 6-7 ईयर्स में आपने अपना CA कंप्लीट कर दिया, माँ बाप का सपना पूरा कर दिया, अपना सपना पूरा कर दिया, पूरे रिश्तेदारों का सपना पूरा कर दिया, इस एज में शादी के ऑफर आने लगते हैं, हो जाती है। अगर CA नहीं हुआ फिर तो मज़े लिए जाएंगे, फिर तो भगवान मालिक। यहाँ पर एवरेज एज ऑफ मैरिज 25, ये तो मैंने मैक्स बता दिया। जिसका करियर 19 में सेट हो गया हो और एक पैटर्न के थ्रू फॉलो होना है, पता है कि भाई ये ग्रोथ होनी है, ये स्ट्रक्चर रहेगा, 25 मैक्स है, 25 से पहले सब कुछ सेटल हो जाएगा। रिस्पेक्ट इन सोसाइटी CA की भी ज़्यादा है, लेकिन NDA पर्सनल की उससे भी ज़्यादा है। फ्रीलांस वर्क अपॉर्चुनिटी, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकता है, कंसल्टेंसी फर्म ओपन कर सकता है, मास्टर जी या मास्टरनी भी बन सकता है, यहाँ पर कॉर्पोरेट में जा ही नहीं सकते कोई, और फ्रीलांस मॉनेटरी गेन के लिए नहीं कर सकते। कोर्स लाइफ क्या है, देखो पूरे टाइम पढ़ाई का प्रेशर रहेगा, अगर आपने थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट किया गुस्सा आएगा, सोशल मीडिया फंक्शन पार्टी से दूर रहना पड़ेगा, कोचिंग क्लास आपकी होगी 10-12 आवर्स के लिए, और थोड़ा बहुत अगर फन आ भी गया आएगा कहाँ पर, आर्टिकलशिप में। कोर्स लाइफ क्या होगी, लॉन्ग एक्टिविटीज़ फिजिकल और मेंटल दोनों, पढ़ाई का प्रेशर होगा, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी लगातार चलती रहेंगी, एक टफ है लेकिन एक सेटिस्फाइंग लाइफ होगी। जैसे होता है ना बैक है आपके पास, जैसे नीचे से ज़मीन खिसक गई तो क्या एक थोड़ा डर तो लगता भी क्या होगा कैसे होगा, आपके पास यहाँ पर हमेशा ज़मीन रहेगी, एक टेंशन फ्री आ रहा है गवर्नमेंट जॉब, तो वो वाला टेंशन यहाँ पर नहीं होता है कि सर्वाइवल वाला जो इंस्टिंक्ट आ जाता है, लेकिन हाँ टफ लाइफ होती है। सब्जेक्ट ओरिएंटेशन, अकाउंट्स एंड ऑडिट रिलेटेड, जैसे आपने कभी पोएट को देखा है या स्टोरी राइटर को देखा है, वो जब घूमते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करते हैं, बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करते हैं हर चीज़ को, क्योंकि जो वो ऑब्जर्व कर रहे हैं वहीं से तो स्टोरी आती है, राइट। तो जो लव स्टोरीज लिख रहा है वो लव स्टोरीज ही लिखता है, राइट। जो थोड़ा सा भूत प्रेत वाली कहानियाँ लिखता है वो वैसे लिखता है, हर एक के इन्वायरमेंट से निकल के सब कुछ आता है, जो जहाँ पर बड़ा हुआ है, जो जिसका दिमाग है, राइट। सेम केस में CA होते हैं, वो कीनली ऑब्जर्व करते हैं फिनेंशियल रेगुलेशंस को, सब्जेक्ट के थ्रू आपको ये समझाया जाता है कि हर चीज़ को कैसे समझना है, बात हो गई ख़त्म, सारे फिनेंशियल रेगुलेशन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, फिर आप जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाते हो आप सबको समझा सकते हो, बता सकते हो, अपने आप को थोड़ा सा क्लियर कट कर सकते हो। एक्सटेंसिव फिजिकल मेंटल और टैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी यहाँ पर होगी, भाई सब्जेक्ट में सब कुछ है, क्योंकि पढ़ाई के साथ आपका फिजिकल भी होगा, मेंटल भी होगा, टैक्टिकल ट्रेनिंग भी होगी। इसमें क्या क्या होगा, जैसे वेपनरी एम्यूनेशन ट्रेनिंग, ठीक है, आपको ट्रिक्स सिखाई जाएंगी, अगर मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन में सर्वाइव करना है तो कैसे करोगे, ये सब आपके सब्जेक्ट्स का पार्ट है, आपके ये फिजिकल सब्जेक्ट्स हैं,
ओके जी। वर्क ओरिएंटेशन, काम क्या करोगे, अकाउंटिंग एंड एनालिसिस। जैसे एक डिटेक्टिव होता है ना, ऐसे ग्लास के थ्रू हर चीज़ चेक करता है, बहुत ही माइन्यूटली हर चीज़ों को देखेगा, जो और कोई नहीं देख पा रहा वो देख लेता है डिटेक्टिव। ऐसे ही सेम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबको तो सेम से लगता है, हाँ ठीक है, एसेट लाइबिलिटी, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी, अदर करंट एसेट, ये नाम नाम ही तो हैं। लेकिन जब सीईओ उसको देखेगा, वो फिगर आउट कर लेगा क्या गड़बड़ है क्या गड़बड़ नहीं है, राइट। यहाँ पर वर्क क्या होगा भाई, वॉर, नेचुरल डिजास्टर या फिर बॉर्डर्स को सिक्योर करना, हर चीज़ के लिए एक्सट्रीम सिचुएशंस में तैयार रहना। कारगिल वॉर है, अटैक्स हैं, फ्लड्स हैं, ये तीनों चीज़ें हो चुकी हैं, आपने देखा इसमें कैसे कैसे पर्सनल हेल्प करते हैं, तो इन एक्सट्रीम सिचुएशंस के लिए बिल्कुल तैयार रहना, यही वर्क ओरिएंटेशन का पार्ट है, राइट। एप्टीट्यूड पे आ जाते हैं, यहाँ पर है डिटेल ओरिएंटेड, छोटी छोटी चीज़ों पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ध्यान देते हैं। जैसे आपने कभी गार्डनर को देखा है, कोई भी पेड़ को ना वो ऐसे ही छोड़ता रहे तो बेकार है, हर सैपलिंग पर, हर पेड़ पर, हर पौधे पर बिल्कुल इक्वली ध्यान दिया जाता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। सेम केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हर न्यूमेरिकल ट्रांजैक्शन पर ऐसे माइन्यूटली ध्यान देंगे, जैसे वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, भले ही ना करे लेकिन सही होना चाहिए। तो अगर आप ऐसे डिटेल ओरिएंटेड माइंडसेट के हो तो ये एप्टीट्यूड आपका सीए वाला है। इंटेलिजेंट और लॉजिकल होते हैं कौन, एनडीए वाले, जैसे हमारे विक्की कौशल भैया थे ना उरी मूवी में, सेम केस में वही माइंडसेट, वही एप्टीट्यूड एक एनडीए पर्सनल का होना चाहिए। अगर इस टाइप का आप माइंडसेट रखते हो, ये मूवी देखते हुए थोड़ा सा खून खोलता है, ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं, समझ जाओ एप्टीट्यूड है। पर्सनैलिटी क्या होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, ज़्यादातर आपको इंट्रोवर्ट मिलेंगे, बहुत इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, हाई इंटेग्रिटी, ऑनेस्ट होते हैं और भरोसे वाले होते हैं। ये प्रोफेशनल सिनेरियो की बात हो रही है, पर्सनल सिनेरियो की बात नहीं हो रही है। जैसे शक्तिमान आता था बचपन में, देखा होगा या नाम भी सुना होगा, तो बचपन पहले तो वो नॉर्मली घूमते थे शक्तिमान, गंगाधर बन के, ठीक है, जैसी कोई प्रॉब्लम आती थी शक्तिमान ऐसे हो जाते थे एकदम, उनकी ड्रेस कोड वगैरह बिल्कुल चेंज हो जाता था। सेम केस में सी ऑफिस में ऐसे ही रहते हैं, हाँ सबको लगे हाँ ठीक है, पता नहीं क्या क्या कैसे करते हैं क्यों करते हैं, जैसे ही गड़बड़ दिखी एकदम से शक्तिमान बन गए, ठीक कर ये कर वो कर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन, पंक्चुअल, डिसिप्लिन, ट्रस्टवर्दी, टफ एंड फिट और फियरलेस। पर्सनैलिटी किसकी होती है, एनडीए पर्सनल की। जैसे स्पेशल ऑप्स में ये भैया जी थे ना, बहुत सारे केसेस वगैरह भी चले, तो इन्होंने उनको कैसे हैंडल किया, पर्सनैलिटी जो इनकी थी बस वही पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए। इंटरेस्ट सीए का होता है पैसे में, जैसे किसी सोशल वर्कर का होता है ना लोगों की हेल्प करने में, कि भाई ठीक है मुझे जेन्युइन तरीके से हेल्प करना है, कोई बराबर में ऑडी से जा रहा है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी स्कूटी पर खुश हूँ, राइट। सेम केस में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है पैसे में, या वॉनबी चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है पैसे में, सिर्फ पैसे के बारे में सोचता है, कमाना है, ग्रो की बात अलग होगी, ग्रो आ जाता है सीएफए में, लेकिन मैनेज करके रखना है वो है सीए, राइट। यहाँ पर इन द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड इट्स सिटीजन, इंटरेस्ट होता है जेन्युइन तरीके से, अंदर से एम्पैथी होती है, दुनिया की रक्षा करना, पहले अपने इंडिया की, फिर मौका मिला तो वर्ल्ड की। अगर ये एम्पैथी नहीं है ना, अगर अंदर से वो चीज़ नहीं आ रही, तो समझ जाना एक करियर में ना सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा, सर्वाइवल तो हो जाएगा, स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, एक अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा। जैसे ही हमें करियर की वीडियोस बनाने में सेटिस्फैक्शन ज़्यादा आता है, हैप्पीनेस भी है सेटिस्फैक्शन भी है, दोनों चीज़ें तभी मन लग रहा है। अगर एक भी करियर में दोनों चीज़ें नहीं होती तो प्रॉब्लम होगी। तो अंदर से एम्पैथी अगर नहीं है ना, अंदर से वो प्यार वाली भावना कंट्री के लिए, वो मर मिटने वाली भावना वो नहीं है, प्रॉब्लम आएगी। अंदर हो जाएगा सब कुछ, सिलेक्शन आपका होशियार हो सब कुछ हो, अंदर एक वो एक्स फैक्टर नहीं होगा, राइट। जैसे मिस्टर योगेंद्र यादव जी हैं, परमवीर चक्र होल्डर, 15 बुलेट खाने के बाद भी वहीं पर टिके रहे। आप इनकी स्टोरी पढ़ना, केबीसी वगैरह में भी आए थे, तो आप देखोगे समझ आ जाएगा क्या माइंडसेट होना चाहिए। भैया अगर सीए में सब कुछ बढ़िया तो क्या, सारे लेवल क्लियर हो गए, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, 40 लाख का पैकेज चला गया, एमबीए फाइनेंस कर लिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, 50 लाख का पैकेज एट द एज ऑफ 25, ये बेस्ट है बस, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर आपने रिटर्न क्लियर कर लिया, अपना इंटरव्यू क्लियर कर लिया, अपना मेडिकल टेस्ट क्लियर कर लिया, मेरिट में नाम आ गया, अरे बल्ले बल्ले और क्या, एनडीए में सिलेक्शन। भैया वर्स्ट क्या हो सकता है, देखो सीए में वर्स्ट क्या है, फाउंडेशन 2 बार में नहीं निकला, सीए छोड़ दो, भगवान का इशारा, समझ जाओ आगे और डिफिकल्टी आएंगी, अभी निकल लो। केस 2, इंटरमीडिएट 2 से 3 अटेंड में नहीं निकला, कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन के साथ कंटिन्यू करो, डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेशन करो, 1 से 2 साल हाथ पैर मारो, 2-3 इंटर्नशिप्स करो, लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी, सॉर्टेड रहेगी, मास्टर्स की तैयारी करो।
भैया फाइनल नहीं निकल रहा, 4 अटेम्प्ट हो गए। देखो लोग तो 20 अटेम्प्ट में भी कर लेते हैं, लेकिन हमें ट्राई 4 तक ही करना है, ठीक है? कोई लिमिट तो है नहीं, कितना भी लगे रहो, लेकिन उम्र तो हमारी है, एज तो हमारी है, 4 अटेम्प्ट तक ट्राई करो। नहीं हो रहा, आर्टिकलशिप है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, ठीक है? खाली नहीं हो, 5 से 10 हज़ार की जॉब से भी अगर स्टार्टिंग हो रही है, करो, स्टार्ट करो, लाइफ को ट्रैक पे लाओ, अंधेरे कमरे से बाहर निकलो। जब लाइफ ट्रैक पे आ गई, उसके बाद सोचना स्टार्ट करो धीरे धीरे कैसे करना है। 1 से 1.5 साल में करियर शेप होता हुआ मिल जाएगा, राइट? बस ग्रेजुएशन मत छोड़ना अपनी, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। ग्रेजुएशन है तो सब कुछ है भैया। एनडीए में वर्स्ट केस क्या है? यहाँ पर तो सिर्फ एक ही केस है भाई, सीट्स हैं बहुत लिमिटेड, ठीक है? अगर आप 2 अटेम्प्ट में पास नहीं हो पाए भाई, 2 ही अटेम्प्ट तो मिलेंगे, 17 में आप पास हुए क्लास 12 से, 18 और 19 और ख़त्म, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में एज, तो 2 ही अटेम्प्ट मिलेंगे। अगर 2 अटेम्प्ट में नहीं हो पाए, एनडीए छोड़ दो, सपना छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, जो प्लान बी है उसकी तैयारी करो और सॉलिड वाला रखना दिमाग में। ग्रेजुएशन टॉप नॉच कॉलेज से अगर करना है तो उसी हिसाब से प्रिपरेशन भी रखना। देखो एनडीए की तैयारी करो तो माइंडसेट तो आपका स्ट्रांग हो ही चुका है, अगर वो माइंडसेट हो चुका है तो फिर करियर तो बड़ा ही बनाएंगे। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। आई होप थोड़ी नहीं, बहुत क्लैरिटी आपको ये होगी, भैया कॉमर्स स्टूडेंट के लिए क्या बेस्ट रहेगा। देखो डिपेंड करता है, अगर आप आर्मी विंग के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, अब कुछ लोगों ने ना लाइफस्टाइल देखा होता है आर्मी प्रोफेशनल्स का, तो उनके दिमाग में एनडीए होता है चारों तरफ। अगर आप उतना ज़्यादा डेडिकेटेड हो, 1 साल ट्राई करो, पूरी ताकत लगा दो, बहुत ज़्यादा गैप है नंबर्स में छोड़ दो, कम गैप है दोबारा ट्राई करो, नहीं हो रहा फिर अपना ग्रेजुएशन में चले जाओ। भैया सीए तो कभी भी कर सकते हैं, सीए की क्या टेंशन है, थोड़ा सा 20 में कर लेना, 21 में कर लेना, लेकिन ये जो है ना, ये अंदर से जो एक अंदर से वो आग आ रही है निकल के देश के लिए, वो आग नहीं फुलफिल होनी चाहिए, वो आग जब तक आप ट्राई करोगे तब तक ही फुलफिल होगी, नहीं तो अंदर रह जाएगा, राइट? इसी के साथ मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।